अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर है 3, प्लेइंग विद नंबर्स, एक्सरसाइज 3.5। क्वेश्चन नंबर इसका 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी जो नीचे दी गई स्टेटमेंट से इनमें से कौन सी ट्रू है। इफ, पहला है ए पार्ट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर एक नंबर जो 3 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो ये 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। इसको चेक करेंगे हम, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नंबर जो है, यानी इसका हम सबसे छोटा नंबर लेंगे 21। अब देखते हैं ये जो है 21 जो है, इसको अगर हम ऐड करें 2 + 1 = 3, तो ये यानी 3 से डिविजिबल होगा, 3 × 1 = 3। अब दूसरा मसला है, क्या ये 9 से भी डिविजिबल है या नहीं, तो इसका 9 से डिविजिबल होने के लिए यानी इसके यानी इसमें इसका यानी इसका जो इसको ऐड करके यानी या 9 आना चाहिए या 18 आना चाहिए, ताकि यानी इससे डिविजिबल हो, लिहाजा ये डिविजिबल 3 तो है लेकिन 9 नहीं है, ये है फॉल्स। अब बी पार्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर एक नंबर 9 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ये 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब हम देखेंगे यानी ये नंबर जो है यानी 3 से, अब हम लेंगे एक नंबर 9 × 9 = 81, तो ये इसको अगर हम ऐड करेंगे 8 + 1 = 9, तो 9 × 1 = 9। अब 3 से हम देखेंगे क्या ये डिविजिबल है, यानी 3 × 3 = 9, लिहाजा ये 9 आ गया यानी डिविजिबल है, ये आ जाएगा ट्रू। अब सी पार्ट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18, अगर एक नंबर डिविजिबल 18 से हो, इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 और 6, अगर ये डिविजिबल है 3 और 6 से। अब देखते हैं कि ये 3 और 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो अब हम देखते हैं कि अगर 6 × 3 = 18, 3 × 6 = 18, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये यानी 3 से भी 6 से भी डिविजिबल आता है, अब ये भी है ट्रू। अब इसका डी पार्ट है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर एक नंबर डिविजिबल 9 और 10, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, तो ये 90 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब हम देखेंगे ये ट्रू है या नहीं है, तो इसका सिंपली हम देख सकते हैं ये इसको 9 × 10 = 90, तो इसको यानी हम इसका देखेंगे कि ये 90 आ गया, 9 × 10 या 10 × 9 करके ये 90 आ जाएगा, ये है ट्रू। ई पार्ट है, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम, अगर दो नंबर्स को प्राइम है, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, अगर एक नंबर जो है, अगर दो नंबर को प्राइम है, को प्राइम जिस तरह आप जानते हैं कि को प्राइम किसको कहते हैं, कि दो यानी नंबर हैं जिनके यानी ये हम देखेंगे कि सेम एक ही हो इनका, यानी इसको जब हम करेंगे इसको एक में भी एक आएगा और दूसरे में भी एक आएगा, तो इसका मतलब है ये को प्राइम, अगर दूसरी जगह किसी जगह मिलेंगे तो ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही इनका होगा, यानी कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर दोनों नंबर में एक आएगा, एक के अलावा कोई भी नहीं आएगा,
तो इसको हम कहेंगे को प्राइम। अगर इसके अलावा और भी कोई आएगा तो इसका मतलब है ये को प्राइम नहीं है। तो हम देखेंगे ये जो है यानी ई पार्ट इसका है, इसको हम देखते हैं। अगर हम लेंगे 18, जिस तरह पिछले हमने सवाल किया, क्वेश्चन किया, 18 और 35 यानी दोनों नंबर जो है तो प्राइम नंबर हैं। दोनों नंबर यानी प्राइम नंबर हैं, लेकिन दोनों को प्राइम नहीं है, इसलिए इसको हम यानी फॉल्स, ये है फॉल्स। ये थे पार्ट ई तक। अब हम पार्ट इसका है यानी एफ दूसरे लेक्चर में हम करने जा रहे हैं।